आजमाइशें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, भरोसा जब अल्लाह ताला की ज़ात पे हो तो हर मुश्किल में इंसान का दिल सकून पा ही लेता है। वो मकाम दूर नहीं जहाँ अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई तमाम दुआओं से नवाज देना है। अल्लाह पे यकीन रखो, तुम्हारी सारी मुश्किलात वो दूर कर देगा। तुम्हारा भी वक्त आएगा और देखना, तब अल्लाह अपने सारे मौजे तुम्हारे सामने खड़े कर देगा। फिर असल मोहब्बत तो तभी है ना जब तुम अल्लाह की रज़ा के लिए हर वो काम करो जो तुम्हें सिर्फ अल्लाह के करीब ले आए। परेशानियाँ बढ़ जाएं तो अल्लाह के सामने रो लिया करो, बेशक वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। जब यकीन का रिश्ता अल्लाह से जुड़ जाता है तो फिर अल्लाह अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता। एक वक्त आएगा जब आप सब्र करते करते अल्लाह के इतने करीब हो जाएंगे कि अभी दुआ दिल में ही होगी और अल्लाह कुन फरमा देगा। कबूलियत की घड़ी अब दूर नहीं, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी सारी दुआओं पर कुन कह दिया जाएगा। तुम्हारे नसीब में जितने भी मौजे हैं सब अल्लाह ने संभाले हुए हैं। इंतज़ार कर लो थोड़ा कि वो होने ही वाले हैं, गुजर जाएंगे ये सारे लम्हे भी। बस अपना हर मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो। कभी कभी होता है ना कि ना मुमकिन तरीन ज़रियों से भी रास्ते निकल आते हैं, वही अल्लाह के मौज़े होते हैं। अता करने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन मेरा अल्लाह दुआएं रद्द नहीं करता। हो सकता है अल्लाह तुम्हें वही देना चाहता हो जो तुम उससे मांग रहे हो, और जब तुम्हारी तमाम उम्मीदें टूट जाती हैं तो अल्लाह वहाँ से किसी मौजे से अपना एहसास दिलाता है। जल्द ही तुम तक मौजे आएंगे, ज़रूर आएंगे। तुम हो ही अल्लाह को इतने प्यारे। दुख में पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा। तुम्हारी उम्मीद को अल्लाह अब तक इसलिए बरकरार रखे हुए है क्योंकि उसने तुम्हें अता करने की सारी तैयारियां की हुई हैं। एक तरफा मोहब्बत सिर्फ अल्लाह निभा सकता है। इंसान हार जाता है, थक जाता है। जो कहानी अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाती है उसका इख्तिताम कभी उदास नहीं होता। दुराने दुआ, आँखों का भर आना कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी है। तुम्हारी एक पुकार पर थाम लेगा वो तुम्हें। वादा है अल्लाह का कि हर मुश्किल के बाद आसानी है।